गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 12, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बारे बात करेंगे ऑपरेशन अजय के बारे में, और इसके अलावा इंडिया ने प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो ऑपरेशन किए हैं उनके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक ज्यादातर आपका प्रीलिम्स के लिए ही होने वाला है, मेंस के लिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं। हालांकि हम लोग जब मेंस में आंसर लिखते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग डेफिनेटली दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ज्यादा नजर आता है। इंडिया में अबॉर्शन लॉ कौन कौन से हैं, कैसे काम करता है, फिलहाल न्यूज में क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने में आई डोंट थिंक हम लोगों ने इस टॉपिक को रिपीट किया है। तो जो बच्चे नए हैं अभी एस्पिरेंट्स एनालिसिस हमारी देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक ये हो सकता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को लेके कल एक आर्टिकल था, थोड़ा हम वो देख लेंगे। ये वाला टॉपिक भी ज्यादातर प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फैक्ट चेकिंग रूल्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर जो इंट्रोड्यूस किए थे कोर्ट में, उसके लिए केस चल रहा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर द मेंस। उसके अलावा जेंडर गैप के बारे में जो है आज का एडिटोरियल दिया हुआ है, क्योंकि इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो भी मिला है ग्लोडिया जी को, उन्होंने भी जेंडर गैप के बारे में रिसर्च किया था, तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए जी सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, ऑपरेशन अजय। तो यू नो वेरी वेल गाजा स्ट्रिप में इसराइल में इस समय क्या चल रहा है, सारे का सारा इशू। तो कुछ इंडियन जो है वहां पे अभी फंसे हुए हैं, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है उसका नाम हम लोगों ने रखा है ऑपरेशन अजय। ये तो हो गई फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रहा है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स में हम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेशन किए हैं। एक ऑपरेशन पूमलाय, इसे ईगल मिशन 4 भी कहा जाता है। जब 1987 में एक तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट यानी कि उसकी डिफेंस फोर्सेस थी, दूसरी तरफ जाफना में जो लिट्टे जिसको हम लोग कहते हैं उनके बीच में जब सिविल वॉर चल रहा था, तो बहुत सारे जो तमिलियंस थे सिविलियंस इनोसेंट जो लोग थे वो फंस गए थे उस सिविल वॉर में। तो उनको हम लोगों ने एयर ड्रॉप से सप्लाई किया था, बेसिकली उनको दूध वगैरह राशन ब्रेड वगैरह वो सब हम लोगों ने सप्लाई किया था, उसे कहते हैं ऑपरेशन पुमलाई। क्वैत एयरलिफ्ट के ऊपर एक अक्षय कुमार की मूवी भी बनी हुई आई थिंक, और उस मूवी का नाम भी शायद एयरलिफ्ट है, वो इसी के ऊपर बनी हुई है। जब इराक ने हमला किया था कुवैत के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर 1990s में, उस समय काफी सारे इंडियंस 1,70,000 इंडियंस कुवैत में फंस गए थे। उनको इवैक्यूएट करने का जो सबसे बड़ा आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरलिफ्ट इवैक्यूएशन प्रोग्राम है वो यही है जो हम लोगों ने 1990s के अंदर सक्सेसफुली किया था। पूरी दुनिया आज भी हमारी जो कैपेसिटी है इवैक्यूएट करने की उसका लोहा मानती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कुवैत एयरलिफ्ट ऑपरेशन। उसका 2006 में हम लोगों ने किया था ऑपरेशन सुकून। इसराइल और लेबनान के बीच में मिलिट्री कंफ्लिक्ट हुआ था 2006 में। हमें अच्छे से पता है कि इसराइल के आसपास जो भी कंट्री हैं, चाहे अब सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, जितनी भी और कंट्री हैं उनके साथ जो है इसराइल का कंटिन्यूसली इशू चलता रहता है। लेबनान और इसराइल के बीच में काफी बड़ा एक 2006 में एक मिलिट्री कंफ्लिक्ट हुआ था। तब हम लोगों ने कुछ इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया था 2-3 हजार के आसपास, जिसमें अंदर कुछ नेपाल और श्रीलंका के सिविलियंस भी थे, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन सुकून। इसे बेरूत सी लिफ्ट भी कहा जाता है। सी लिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जो एयरफोर्स नहीं जा सकती थी क्योंकि वो नो फ्लाई जोन हो गया था, तो फिर हम लोगों ने इवैक्यूएट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक डंकर्क जो है इवैक्यूएशन हुआ था, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है डंकर्क, और ये इवैक्यूएशन से बड़ा माना जाता है इंडिया का ऑपरेशन सुकून। तो शिप में भर के हम लोग जो है लोगों को वहां से लेके आए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में हम लोगों ने चलाया था, जब लीबिया के अंदर कंफ्लिक्ट हुआ था सिविल वॉर, तब हम लोगों ने 15-16 हजार इंडियन नेशनल्स को वहां से निकाला था। फिर ऑपरेशन मैत्री 2015 में हम लोगों ने चलाया, जब नेपाल के अंदर अर्थक्वेक हुआ था, उस समय हम लोगों ने इंडिया के साथ साथ यूएस, यूके, रशिया, जर्मनी के भी कुछ सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट किया था। ऑपरेशन राहत जब यमन के अंदर काफी ज्यादा सिविल वॉर चल रहा था, इवन अभी भी चल ही रहा है ऑलमोस्ट, तो यमन से हम लोगों ने काफी लोगों को इवैक्यूएट किया था। और यहाँ से हम लोग एयरलिफ्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर हो गया था, तो हम लोगों ने सी रूट से निकाला था। तो 5-6 हजार लगभग सिटीजन्स को हम लोगों ने वहां से निकाला था। इंडिया के साथ साथ कुछ श्रीलंकन सिटीजन्स और कुछ मोलदीवियन सिटीजन्स को हम लोगों ने वहां से इवैक्यूएट किया था। उसके अलावा हमारे पास आता ऑपरेशन संकट मोचन, जब साउथ सूडान के अंदर सिविल वॉर हुआ 2016 के अंदर, तो संकट मोचन जो है प्रोग्राम हम लोगों ने वहां पे ऑपरेशन चलाया था।
ऑपरेशन इंसानियत 2017 में हम लोगों ने चलाया, जब म्यांमार से हजारों लाखों की संख्या में जब रिफ्यूजीज रोहिंग्या मुस्लिम्स रिफ्यूजीज जब बांग्लादेश के अंदर आ रहे थे तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया था। तब वहां पे दालें, चावल, शुगर, नमक, कुकिंग ऑयल वगैरह, बिस्किट वगैरह वो इंडिया ने पहुंचाए थे अंडर ऑपरेशन इंसानियत 2017। ऑपरेशन निस्तार ये हम लोगों ने चलाया था जब साइक्लोन के अंदर यमन के अंदर एक साइक्लोन आ गया था। यमन का एक छोटा सा आइलैंड है सोकोत्रा करके, वो अरेबियन सी के अंदर ही पड़ता है। तब हम लोगों ने वहां से कुछ 35-40 के लगभग इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था नेवी शिप्स के द्वारा। तो जो नेवी शिप का नाम है वो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सुनयना, ठीक है, सुनयना नाम का शिप से हम लोगों ने इवैक्यूएट किया था अंडर ऑपरेशन निस्तार। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में हम लोगों ने चलाया था जब कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे इंडियन फंस गए थे, उनको हम लोग वापस लेके आए थे। उसके अलावा वंदे भारत मिशन भी हम लोगों ने चलाया था जब फॉरेन कंट्रीज में कोविड-19 के दौरान जो है इंडियन वहां पे फंस गए थे। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं आपके लिए। उसके अलावा कुछ ऑपरेशन मैं सेल्फ स्टडी के लिए भी छोड़ देता हूँ। ऑपरेशन देवशक्ति, ऑपरेशन गंगा 2022 में जब यूक्रेन के अंदर क्राइसिस हुआ तो ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने चलाया। ऑपरेशन दोस्त जब सीरिया और टर्की के बीच में इशू हुआ तब हम लोगों ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। ये अभी भी चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है ये, थोड़ा बहुत अभी भी चलता है। और उसके अलावा ऑपरेशन कावेरी हम लोगों ने चलाया सूडान से, ये भी अभी ऑनगोइंग है, वैसे तो अभी भी चल रहा है। सभी इंडियंस को हम लोग वहां से नहीं निकाल पाए हैं, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। चलिए जी, टॉपिक पढ़ते हैं आगे वाला। जो वीमेन रिलेटेड इश्यूज हैं वैसे भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और अबॉर्शन एक इशू ऐसा है इंडिया में जो काफी समय से कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके लिए कई बार हम लोगों ने कानून बनाया भी है। 1971 में हमारा एक बिल्कुल बेसिक कानून होता है, इसको हम लोगों ने 2021 के अंदर अमेंडमेंट किया था। लेकिन 2021 के अंदर भी कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसको लेके इसका क्रिटिसिज्म होता है, तो थोड़ा हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो पहले ना दोनों को हल्का सा यहाँ पे डिस्कशन करने से पहले ये जान लेते हैं कि न्यूज में क्यों है, क्या ये पूरा मामला बनता है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और एक महिला है, उनके पहले से दो बच्चे हैं, और वो नहीं चाहती कि वो तीसरा बच्चा करें। वो थोड़ा सा जो है वो मेंटल डिप्रेशन में भी है, वो थोड़ी दवाइयां भी कंज्यूम कर रही हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल किया गया कि भाई मुझे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है। यहाँ पे इश्यू ये है कि उनका जो वीक है वो 26 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का। अब ये 24 वीक तक हमारे देश में जो टर्मिनेंसी और प्रेगनेंसी है वो अलाउड है, कुछ स्पेशल केसेस में, कौन कौन से केसेस आपको बताऊंगा। लेकिन जब 24 से ज्यादा वीक हो जाते हैं तो उसमें आपको डॉक्टर के परमिशन से काम नहीं चलेगा। 24 वीक से ज्यादा अगर आपको अबॉर्शन करवाना है तो आपको कोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा, आपको रिट पटिशन लगानी पड़ती है। यहाँ पे अलग अलग रूल्स हैं, 20 वीक्स, 20 से लेके 24 वीक्स, 24 से लेके 26 वीक्स। 20 वीक्स के लिए जो बोर्ड होता है डॉक्टर का वो काम करता है, 24 के लिए भी बोर्ड होता है लेकिन वो दो या तीन डॉक्टर का बोर्ड होता है, 26 वीक्स कि अगर आपको प्रेगनेंसी करानी है तो कोर्ट के थ्रू आना पड़ता है। तो क्योंकि ये प्रेगनेंसी 26 वीक की हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल की गई है। अब इसमें ना दो आर्गुमेंट हैं। एक आर्गुमेंट ये कहता है कि साहब प्रेगनेंसी अलाउ कर दी जाए, यस। एक आर्गुमेंट कहता है कि नहीं, प्रेगनेंसी जो ये सॉरी टर्मिनेंसी अबॉर्शन अलाउ ना किया जाए। गवर्नमेंट कहती है कि ये इस केस में अबॉर्शन अलाउ ना किया जाए, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। महिला कहती है कि नहीं, मुझे प्रेगनेंसी अलाउ टर्मिनेंसी जो है अलाउ की जाए क्योंकि मैं अपने बेबी को प्रॉपर तरीके से रेज नहीं कर पाऊंगी इसीलिए। हालांकि बेबी को हेल्थ वाइज कोई खतरा नहीं है, बेबी बिल्कुल हेल्दी है, और मदर की थोड़ी सी मेंटल कंडीशन हल्की सी जो है डिस्टेबल है, तो उसकी वजह से वो ऐसा कह रही हैं। जो इनकी लॉयर है वो कह रही है कि फर्स्ट कंसर्न इज द मदर, जो बच्चे का कंसर्न है वो सेकेंडरी होता है। गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। जो अनबोर्न बेबी होता है, अनबोर्न बेबी, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। और 26 वीक आप समझ सकते हो ना, कम से कम यहाँ पे 6 चौके 24 जो है 6 महीने से ज्यादा का बच्चा हो गया है वो पेट में, तो वो जब बच्चा होता है तो उसके सारे ऑर्गन्स डिवेलप हो जाते हैं, उसकी हार्ट बीट, ब्रेन, हाथ पैर सब कुछ डिवेलप हो जाता है। तो देखा जाए तो एक तरह से वो बेबी ही है, अनबोर्न बेबी है, अभी आप उसको फीटस नहीं कह सकते, वो पूरा प्रॉपर बेबी हो गया, तो उसके राइट्स का क्या। तो ये दोनों इशू जो है यहाँ पे जो है वो चल रहे हैं। जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है जो 2021 में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था वो कहता है
कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में 24 वीक के बाद अबॉर्शन अलाउ किया जा सकता है, लेकिन इस केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज नहीं है तो इसलिए इसको अलाउ ना किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम जो है प्रॉपर केस था। अगर हम लोग बात करें जो 2021 में जो अमेंडमेंट सरकार ने किया था, इसके अंदर क्या हुआ था, जो मैरिड वीमेन है और जो अनमैरिड वीमेन है यानी कि सिंगल जो मदर्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो मैरिड वीमेन है वो 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवा सकती है इन सम केसेस, लेकिन जो सिंगल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 वीक्स तक करवा सकती हैं, ओनली 20 वीक्स तक। ये डिस्टिंक्शन था 2021 में, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर केस फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये तो सरेआम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो 2020 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल वीमेन रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो या मैरिड हो डजंट मैटर, आप 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मेरा मूड नहीं है मैं चलो अबॉर्शन करवा लिया, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। वो क्या कंडीशन होती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपको बता ही दिया सिंगल वीमेन सिर्फ 20 वीक्स के लिए करवा सकती थी। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, देखिए कुछ 7 कंडीशंस होती हैं जिस केस में प्रेगनेंसी का जो अबॉर्शन है वो अलाउड किया जाता है। तो 20 से लेकर 24 वीक तक अगर किसी को अबॉर्शन करवाना है तो हमारा जो एमटीपी एक्ट है 2021 उसके अंदर 7 कंडीशंस रखी गई हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं, या तो माइनर हो मतलब 18 साल से कम हो और प्रेगनेंसी है 20 से लेकर 24 वीक तक तो अलाउड की जा सकती है। अगर सेक्सुअल असोल्ट या रेप की वजह से, इंसेस्ट की वजह से, कई बार होता है फैमिली में भी लोग अनफॉर्चुनेटली कई बार लोग जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, उस केस में अगर प्रेग्नेंट हो जाती है वीमेन तो उसको अबॉर्शन किया जा सकता है। उसके अलावा चेंज इन द मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, किसी का डिवोर्स हो गया है ना, किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई एंड ऑल दैट, उस केस में भी किया जा सकता है। वीमन विद द फिजिकल डिसेबिलिटी, वो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया, फिजिकल डिसेबल हो गए, अभी आप बच्चे का टेक केयर नहीं कर पाते हो, उस केस में भी हो सकता है। मेंटली इल वीमेन जो है वो भी करवा सकती है अगर उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है। इस प्रेजेंट केस में यही कंडीशन अप्लाई की जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो एक लॉयर का ये भी कहना है कि एक्चुअली उनकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, वो जानबूझ के जो है इसका फायदा उठा रही है, बट खैर उसमें हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। या फिर फीटल मान जो है मैल फॉर्मेशन हो जाती है, जब बच्चा पेट में होता है वो डिफॉर्म्ड है, अच्छे से उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, हैंडीकैप हो सकता है सीरियसली, मतलब अगर डॉक्टर को ऐसा लगे कि ये बच्चा अगर इस दुनिया में आ गया तो इसका टेक केयर नहीं हो पाएगा, उस केस में भी की जा सकती है। वीमेन विद द प्रेगनेंसी इन द ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स और द डिसास्टर्स और द एमरजेंसी मे बी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उस केस में स्पेशली किया जा सकता है। तो ये कुछ 7 कंडीशंस होती हैं 20 से लेकर 24 वीक तक जहां पे अबॉर्शन अलाउड किया जा सकता है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो 1971 वाले को 2021 वाले को, थोड़ा आप देख सकते हो जेस्टेशन पीरियड पहले 20 वीक्स था, इसको हम लोगों ने बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया। यस, उससे पहले आपको एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती थी 12 हफ्ते तक प्रेगनेंसी के लिए, एक डॉक्टर की परमिशन, 20 हफ्ते तक जो है 2 डॉक्टर की परमिशन, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया 2021 में। 20 वीक्स तक अगर आपको प्रेगनेंसी अबॉर्ट करानी है तो 2 डॉक्टर, 1 डॉक्टर की परमिशन लगेगी। 20 से लेकर 24 वीक तक करवानी है तो 2 डॉक्टर की परमिशन लगेगी। अगर 24 वीक से ज्यादा करवानी है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लगेगा और आपको रिट पिटीशन भी देनी पड़ेगी कोर्ट में, जो इस प्रेजेंट केस में हो रहा है। तो ये जो है एक इन्होंने यहाँ पे बनाया है, तो इन तो दोनों का आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो, और इन चीजों का थोड़ा क्रिटिसिज्म वगैरह भी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है, अभी हम लोगों ने करे अनमैरिड वीमेन, जैसे कई बार होता है ना कि अनमैरिड वीमेन अगर कहती है कि जो है मैंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था लेकिन क्या हुआ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, तो उस केस में अबॉर्शन का वो कारण नहीं हो सकता, ठीक है। जेन्युइन कारण होना चाहिए अबॉर्शन करवाने के लिए, आप ऐसा नहीं कह सकते हो सर वो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, ठीक है, वो एक रीजन नहीं है। चलिए जी, तो एक कल वाला टेक्स्ट सेक्शन है ये, कल इसका कंटेंट मैंने बना लिया था, टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए थे तो सोचा मैंने आज कर देते हैं। तो ट्रेजर ट्रोव फील्ड नोट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो बात सारी ये है कि अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि यू नो वेरी वेल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं,
तो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके क्या किया जाता है वहां पे, इकोसिस्टम को और जो फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व किया जाता है, चाहे वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स हों, टाइगर रिजर्व्स वगैरह हों, अलग जो वहां की वेजिटेशन है, लोकल हेल्प के साथ वो सब रिसर्च वगैरह वहां पे की जाती है। तो इसी को लेके जो है ये कल वाले पेपर में टेक्स्ट सेक्शन में आया था। तो यहाँ पे कुछ रिजर्व्स को मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में, ठीक है, हल्का सा प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से थोड़ा देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मोस्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व मेंशन किए गए हैं, कामलांग टाइगर रिजर्व जहां पे लोकल कम्युनिटीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो ये कहाँ पड़ता है, लोकेटेड इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। कामलांग रिवर पासिस थ्रू दिस सेंचुरी आफ्टर विच दिस टाइगर रिजर्व इज नेम्ड, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। कुछ ट्राइब्स भी यहाँ पे रहती हैं, जैसे हिशमी ट्राइब, दिगारू ट्राइब और मिजो ट्राइब, ये आपको पता होना चाहिए। गारो खासी जयंतिया वो मेघालय में आपकी रहती है, यहाँ पे मिजो ट्राइब आपको देखने को मिलती है, मिजोराम में भी मिजो ट्राइब आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड आपको ये देखने को मिलेंगे, स्नो लोरिस, लेपर्ड कैट, हिमालयन पाम, सीवेट, यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2016 में प्रीलिम्स में, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। नामदफा टाइगर रिजर्व को लेकर यूपीएससी में 2016 और 2018 दो साल जो है वो क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है नामदफा टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे एक ना फ्लाइंग स्क्विरल मिलती है जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, फ्लाइंग स्क्विरल, इसको लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो पाए जाते हैं या जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, यूपीएससी में काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, ठीक है जी। जो पाके टाइगर रिजर्व है ये कहां पे पड़ता है, फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ये एक ट्रांजिशन जोन बनाता है किस किस के बीच में, इंडियन और मलायन इको रीजन के बीच में ट्रांजिशन जोन बनाता है, तो ये थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद आपको करनी पड़ेगी। क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड आपको देखने को मिलता है, वाइल्ड डॉग आपको देखने को मिलेगा, एशियाटिक जैकॉल आपको देखने को मिलेगा, एसमीज मकाक, मकाक मतलब एक मंकी ही होता है, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे पास है दिबांग टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ से दिबांग रिवर फ्लो करती है तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक द मिशमी टाकिन आपको देखने को मिलेगा, और ये टाकिन भूटान का नेशनल एनिमल भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एशियाटिक ब्लैक बेयर, मस्क डियर और जो है ट्रैगोपन आपको देखने को मिलेगा। कुछ ट्राइब्स जो इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं, ये वो ट्राइब हैं जो कि कंजर्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन से ट्राइब है, मिशमी ट्राइब, मोम्पा ट्राइब और नीशी ट्राइब, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब मानी जाती है, नीशी ट्राइब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है उसके साथ आप इसको एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है, काफी बड़ा फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल। चलिए जी, उसके अलावा जो एक और टेक्स्ट सेक्शन आज जो पूछा गया था वो ये वाला है, कंसर्न अबाउट द गवर्नमेंट्स फैक्ट चेक यूनिट। देखिए पीआईबी जो हमारा है ना, पीआईबी के पास ऑलरेडी इंडिया में एक फैक्ट चेकिंग का काम किया जाता है, पीआईबी का एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे ऐसे ही फेक न्यूज उड़ती रहती है, तो पीआईबी उसकी फैक्ट चेकिंग करता है और ये बताता है कि ये फेक है या रियल है, पीआईबी। लेकिन सरकार को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, सरकार कहते हैं कि यार हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। कुछ लोग सरकार के खिलाफ एक न्यूज फैलाते हैं, वो फेक न्यूज है कि नहीं वो बात अलग है। तो सरकार ने ये कहा 2023 के अंदर जो हम लोगों ने अपना आईटी एक्ट था उसके अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट किया, और सरकार ने ये कहा कि हम लोग एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे पीआईबी से अलग, वो तो काम अपना कर ही रहा है, हम लोग अलग से फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे अंडर यूनियन गवर्नमेंट, जो ये देखेगा कि कौन सी न्यूज फेक है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, ऑनलाइन कंटेंट, ये सारे कंटेंट नहीं देखेंगे, ये वही कंटेंट देखेंगे कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग है। मतलब इसका यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अगर कोई व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे, जहां पे भी फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज, मिसलीडिंग न्यूज फैला रहा है उसको रोकना है, ये है मामला। अब इसके अगेंस्ट में एक रिट पिटीशन डाल दी गई, एक कॉमेडियन है कामरा जी, आपको पता ही होगा उनके बारे में, उन्होंने पीआईएल डाल, उन्होंने कहा कि साहब ये तो सेंसरशिप हो रही है ना, ये तो सेंसरशिप हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को इतना एम्पावर कर रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो प्रोसिक्यूट भी करेगी, वो जज भी बन जाएगी, सारा काम तो वही करेंगे, तो फिर जुडिशरी क्या करेगी,
और भैया ट्रुथ क्या होता है, ये तो एक सब्जेक्टिव चीज है ना, आपका ट्रुथ अलग है, मेरा ट्रुथ अलग है, हो सकता है। देखिए जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, अब ये सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है, ये तो फैक्ट है, मैं ये नहीं कह सकता नहीं, वो तो पश्चिम से निकलता है, ये मेरा सच है, वो अलग, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजें भी होती हैं, तो सरकार जिसको बोलेगी ये तो मिसलीडिंग है, ये ट्रुथ है, ये फॉल्स है, ऐसे कैसे काम चलेगा? इसका मतलब जो समाज में सच होगा वो सरकार डिसाइड करेगी, तो लोगों की इंडिपेंडेंस खत्म। तो ये जो है यहाँ पे चीज बोली गई है। उसके अलावा रूल के अंदर ये भी कहा गया कि अगर उस यूनिट को लगता है कि कोई न्यूज फेक है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इनको सरकार बोलेगी कि आप या तो उस पोस्ट को टेक डाउन कर लो, हटा दो अपनी प्लेटफॉर्म से, या फिर उसके साथ डिस्क्लेमर लगाओ कि फेक न्यूज है। अभी तो कोई डिस्क्लेमर नहीं आता नहीं है, लोग भर भर के फॉरवर्ड करते हैं, तो ये उसके अंदर कहा गया। अब इसके खिलाफ जो कोर्ट में केस था, कोर्ट ने अभी उसको जो है 1 दिसंबर तक उसको रिजर्व कर लिया है, मतलब अगले महीने पूरा हो जाएगा तो दिसंबर 1 को उसका वर्डिक्ट आ सकता है। तो ये तो थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, बेसिकली जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई, तो वो लगातार क्या होंगे, अभी उनके ऊपर स्क्रूटनी होती रहेगी, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं, वो डिस्प्ले कर रहे हैं, अपलोड उन्हीं की प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है, तो ये चीजें कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि विच इज दे आर नाउ अंडर द ऑब्लिगेशन, अब ऑब्लिगेशन में आ गए ना, उनकी फ्रीडम जो है कर्टेल हो गई। और अगर उन्होंने, अगर सरकार ने बोला फेसबुक को कि भाई साहब ये पोस्ट गलत है, फेल फॉल्स है, मिसलीडिंग है, आप इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए, और अगर फेसबुक नहीं हटाता है तो उसके ऊपर सेक्शन 79 IT रूल के तहत कार्रवाई हो सकती है, और जो सेफ हार्बर का सेफ गार्ड उनको मिला हुआ है वो नहीं मिलेगा। सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, सेफ हार्बर का मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर कुछ अपलोड करते हो, और अगर मान लो किसी आदमी को उससे प्रॉब्लम है, तो वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। वो तो सिर्फ आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, वो कंटेंट को क्रिएट थोड़ी ना कर रहा है, तो जो कंटेंट को क्रिएट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसे कहा जाता है सेफ हार्बर सेफ गार्ड। तो सरकार का ये कहना है कि भाई अगर हमारे बोलने के बावजूद भी आपने फेक न्यूज नहीं हटाई तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको हम लोग कोर्ट में घसीटेंगे, सीधी सी बात है। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेसिकली सरकार को डांट लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा दैट रूल्स डू नॉट सीम टू ऑफर प्रोटेक्शन फॉर द फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट लाइक पैरडी एंड द सटायर। ठीक है, डेमोक्रेसी है, सरकार कोई चीज करती है तो उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कम से कम फेयर क्रिटिसिज्म तो होना ही चाहिए। कोई कॉमेडी के थ्रू कर सकता है, कोई सटायर के थ्रू कर सकता है। अब मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल आते हैं बहुत बार, वो एडिटोरियल सरकार की कितनी पॉलिसीज को जो है भर भर के क्रिटिसाइज करते हैं, कल को तो सरकार यही कहेगी कि नहीं आप ये एडिटोरियल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे सरकार के खिलाफ में है, तो उन पब्लिकेशंस को क्या प्रोटेक्शन है? तो ये सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा या ऑफलाइन चलेगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो आदमी कहीं पे भी बोल सकता है, राइट? तो ये तो हमारे आर्टिकल 14 का सरेआम जो है वायलेशन भी हो रहा है, राइट? क्योंकि हम लोग डिसाइड करेंगे फेक कौन सी फॉल्स न्यूज है, सरकार डिसाइड करेगी कौन सी फॉल्स न्यूज है, दिक्कत हो गई ना। कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि भाई जब PIB ऑलरेडी फैक्ट चेकिंग कर रही है तो अलग से यूनिट की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? उन्होंने, कोर्ट ने यह भी कहा दैट समथिंग विच इज मिसलीडिंग फॉर वन मे नॉट बी नेसेसरी मिसलीडिंग फॉर अनदर, जो एक आदमी के लिए मिसलीडिंग हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो सब्जेक्टिव होती हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती हैं, कोई किसी भी तरह से चीजों को इंटरप्रेट कर सकता है, यहां पे ये चीज दिक्कत है। और सरकार का ये कहना है कि अभी हम लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में ही हाथ जो है टांग अड़ाएंगे, तो ये अपने आप में और प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सरकार का काम ये नहीं है। इवन डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को सपोर्ट किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, सरकार सीधा बोलेगी मिसलीडिंग है, क्यों मिसलीडिंग है पता नहीं, हमने सिर्फ बोल दिया इसलिए मिसलीडिंग है। तो एडिटोरियल कंटेंट जो ऑनलाइन वगैरह होते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर बहुत सारे आते हैं, तो सरकार को सबको हटा देगी, इसका मतलब तो ये हुआ। तो हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ऐसा बोल दिया है, अब ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी है। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम होती है मान लो किसी चीज को लेके, तो उसके अंदर जो दोनों पार्टी है ना, दोनों पार्टी को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, इसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस।
जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व होती है उस केस में। अब इस केस में क्या हुआ, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है अपनी बात रखने का, सिर्फ सरकार उनको कह रही है भैया हटाओ, उनको हटाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, बिकॉज देर इज नो वॉइस गिवन टू दीज इंटरमीडियरीज लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड एवरीथिंग। दैट इज वाई दिस इज प्रॉब्लमेटिक। अब देखते हैं क्या होगा इसके अंदर, जो केस आएगा तब की बात है। चलिए जी, कल जो है एक एडिटोरियल आया था, वीमेन वॉन्ट चेंज, सोसाइटी नीड्स चेंज। तो मैंने आपको ये सेल्फ स्टडी के लिया था, हालांकि इसका थोड़ा मैंने कंटेंट बना दिया था कल, तो मैंने सोचा चलो आज इसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। न्यूज में क्यों है, क्योंकि 17th एडिशन आ चुका है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का, विच इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, पता होना चाहिए आपको, ये जून में ही आ गया था वैसे तो। ठीक है, इसमें 146 कंट्रीज के डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट का यह कहना है कि जेंडर गैप रिपोर्ट को खत्म करने के लिए अभी कम से कम दुनिया में 131 इयर्स और लगने वाले हैं, तो आसपास भी नहीं है। इवन साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, यहां पे तो कम से कम अभी 150 साल लगेगा जेंडर गैप को कम करने के लिए, तो अभी जर्नी थोड़ी लंबी है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे तो हो सकता है 100 ईयर्स लग जाएगा, लेकिन अगर 10-20 साल में तो जेंडर इक्वालिटी होने वाली है नहीं, लेकिन हमें कंटिन्यूसली उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये क्या रिपोर्ट क्या कहती है, इसका ये कहना है कि नो कंट्री हैज येट अचीव्ड फुल जेंडर पैरिटी। इवन आइसलैंड जो कि नंबर 1 रैंक पे है, वहां पे भी ओनली 91.2% है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी द ओनली कंट्री टू हैव क्लोज मोर देन 90% ऑफ इट जेंडर गैप। दुनिया की एकमात्र कंट्री है जो 90% के आसपास जेंडर गैप को कवर करती है, आइसलैंड। गिने चुने लोग हैं वहां पे, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। उस कंट्री में भी जब 100% नहीं है, और जहां पे पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी है एजुकेशन के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे पूरी यूनिफॉर्मिटी है, तब भी वहां पे 100% नहीं है, तो इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग क्या ही इमेजिन करें। बड़ा समय लगने वाला है, अभी बहुत समय लगेगा। राइट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट गैप 21.1%। ठीक है, एजुकेशन गैप 95%, ये 146 कंट्री का बता रहे हैं वो लोग। हेल्थ में 96%। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 60%। ये थोड़ा थोड़ा डेटा यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सबसे बढ़िया जो काम हुआ है वो हुआ है एजुकेशन में। अभी तक एजुकेशन का जो गैप है ना, जेंडर गैप, हो सकता है वो अगले 15, 16, 16, 16, 17 इयर्स के अंदर खत्म हो जाए, तो यहाँ पे जो है हमारे लिए काफी ज्यादा गुड न्यूज है। लेकिन ये एजुकेशन बाद में ना जॉब्स में कन्वर्ट नहीं होती है, और अगर जॉब्स में कन्वर्ट होती है तो उसके बाद वो इक्वालिटी में कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि जॉब्स के अंदर फिर वो सैलरी गैप भी तो आ जाता है ना, जेंडर सैलरी गैप वो अलग से चल रहा है, तो थोड़ा सा उस केस में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ द साउथ एशिया एंड इंडिया, इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया, इंडिया का जो रैंक है वो 127 है आउट ऑफ 146 कंट्री। हालांकि इंडिया ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है पिछले साल से कम 8 प्लेस हम लोगों ने इंप्रूव यहाँ पे किया है। लास्ट ईयर जो है 2022 में इंडिया का रैंक जो है 134 हुआ करता था, तो थोड़ा सा जो है हम लोग आगे बढ़े हैं। ओवरऑल जो जेंडर गैप है इंडिया में फिलहाल 64.3% हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वो काफी कमजोर है हमारे यहाँ पे, ओनली 36.7%, यहाँ पे ये दिक्कत है। एक चीज जो हम लोगों ने जबरदस्त की है वो है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग 50-50% फॉर मेल एंड फीमेल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो यहाँ पे जेंडर पैरिटी आ चुकी है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो ओनली 25%। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में देखें तो ओनली 15.1% जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। राइट, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बस इसके बारे में इतना सफिशियंट है, थोड़ा फैक्ट ड्रिवन है। रीजन आप बता सकते हो कि इंडिया में क्यों ये सब डिस्पैरिटी हैं, वही नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके अंदर आप जो है कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर लिख सकते हो, कुछ कल्चरल फैक्टर लिख सकते हो, इकोनॉमिक फैक्टर लिख सकते हो, रीजनल जो है डाइवर्स फैक्टर्स आप लिख सकते हो, तो बहुत सारे फैक्टर हैं लिखने के लिए, पैट्रियार्की एंड ऑल दैट। ठीक है,
वो सब आराम से इसको मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये मैंने आज इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सिक्योरिटी रिफॉर्म वाला हम लोग काफी ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार, तो इसके लिए मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया। हालांकि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।